ग्राम खैरोना से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहे खचेरी शाह के आज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी पर अंधेरे में गिनती व उसके एजेंटों को बाहर निकालकर दूसरे पक्ष के प्रत्याशी को जिताने के आरोप लगाए हैं। इसी के साथ वोटों की गिनती दोबारा से कराए जाने की मांग की है। खचेरी पुत्री छोटेलाल शाह के निवासी ग्राम खैरोना ने बताया कि वो कपराना से सरपंच पद का प्रत्याशी है। 8 जुलाई को निर्वाचन समाप्त होने के बाद वोटों की गिनती की गई। गिनती के दौरान रात 8 बजे लगभग निर्वाचन अधिकारी ने लाइट बंद करा दी और अंधेरे में वोटों की गिनती मोबाइल से की गई। इस दौरान हमारे एजेंटों को बाहर निकाल दिया और लक्ष्मी जाटव को विजय घोषित कर दिया। हमने निर्वाचन अधिकारी से कहा कि तुमने बिना एजेंट के गिनती की है, हमारे एजेंट के सामने गिनती नहीं हुई, इसलिए दोबारा गिनती की जाए। जिस पर निर्वाचन अधिकारी ने मना कर दिया और कहा कि तुम कल शिवपुरी आओ जब दोबारा गिनती होगी। निर्वाचन अधिकारी ने लक्ष्मी जाटव से साठ गांठ कर उसे विजय घोषित कर दिया, जिससे ग्राम में असंतोष व्याप्त है। इसलिए वोटों की गिनती दोबारा से करवाई जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कचेरी है। कहाँ रहते हो? खैरोना। क्या समस्या लेके आए? कपराना पंचायत के रहने वाले हम खैरोना के। हम सरपंच पद पर खड़े हुए थे, हमारी पोलिंग पर घपला कर दिया उन लोगों ने। पहले हमारी एजेंसी दस्तखत करा ले और बाद में हमारी गिनती चालू करी, बीच में लाट चली गई। वो हमसे बोले तुम 9 वोटों से जीत गए और लाट के बाद कहा बोले तुम 3 वोटों से हार गए। ये हमारी पंचायत में उसने घपला कर दिया है। कितने घपला किया था? क्या क्या हुआ? विरोधी पार्टी, विरोधी पार्टी। क्या नाम है उसका? नाम लच्ची। हाँ, लच्ची की तरफ के अधिकारी बोल गए और हमारे से घपला कर दिया रात में। शुक्ला शुक्ला लच्ची शुक्ला ने हमारे से घपला कर दिया। अधिकारी भी इस बारे में क्या कहना था? मार्शल है वो तो अधिकारी। क्या कहना था? उन्होंने घपला पैसे कर दिया, ले देखे बस हमारी पैसे लेके उनसे। आज आप कलेक्टर साहब से मिले थे, कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपसे? हमको हमने आवेदन दिया, उन्होंने बोला तुम्हारी 15 तारीख के बाद आपका दूसरा काउंट हो जाएगा। 15 तारीख। तो ये बताइए क्या नाम है, वो कितने वोटों से जीता है? वो तीन वोटों से। हमारे 337 ऐसे और बाकी 340। टोटल कितने प्रत्याशी खड़े हुए थे आपके? हमारे पंचायत में प्रत्याशी खड़े हुए थे 8। तो कितने लोगों को इस बात से आपत्ति है? हमारी दो ही हम सदस्य जी हैं, शिषपाल और मैं, हम दो ही लड़े थे सरपंच के चुनाव, तो उनको भी आपत्ति है और हमारे को भी आपत्ति है। और एक सदस्य भी और था, उसका नाम था संजय पर्यास।